अब बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको हाल ही में जेल से रिहा हुए समाजवादी पार्टी नेता आजम खान से पंकज झा की ये खास बातचीत। एक बड़ी पुरानी कहावत है, जितने मुंह उतनी ही बातें। यूपी की राजनीति में आजम खान को लेकर ये कहावत बिल्कुल फिट बैठ रहा है। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, जहाँ हैं वहीं बने रहेंगे, नाराज हैं भी तो किससे हैं, ये सब खुद जानेंगे हम आजम खान साहब से। लंबे अरसे बाद उनसे मेरी मुलाकात हो रही है, और जिसको वो अपने घर को रामपुर में कहते हैं गरीब खाना। सही फरमा रहा हूँ आजम साहब? नहीं तो है ही गरीब खाना, मेरे कहने से थोड़ी दौलत खाना हो जाएगा। आप जिसे गरीब खाना कहते हैं आजम साहब, उन आजम खान पे एक दो नहीं, 10-12 नहीं, 89 मुकदमे हैं। 90 हो गए, आखिर में वो ही हो गया। कैसे हो गया ये सब? बस ये 20 दिन में हो गया, 40 साल की जिंदगी का हिसाब हो गया। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि आजम खान ही क्यों, विपक्ष में तो बहुत सारे चेहरे हैं, तो ऐसी क्या खता कर दी आपने? ये तो वही बता सकेंगे, मैं तो बता नहीं सकूंगा। मतलब योगी जी साहब की कोई ठनी हुई है क्या? मेरी तो सलाम दुआ भी बस कभी सामने पड़े तो हो गई बात। विधानसभा में? विधानसभा। और ये कोशिश भी की है कि जान सकूं कि माफिया नंबर एक में इन मुकदमात की बुनियाद पर हो गया या तो ये वैसे ही हो गया, क्योंकि जो मुकदमे मुझ पर हैं इनमें भी कोई धारा ऐसी नहीं है जिससे मेरा माफिया होना साबित होता हो। क्यों तो इससे पहले कभी 323 का मुकदमा, मेरी गरीब गाड़ी से किसी को खरोंच भी आई हो, किसी से गाली गुफ्तारी का, धक्का मुक्की का ऐसा मुकदमा भी नहीं रहा। ये अलग बात कि उसके बाद मुर्गी चोरी के नहीं है, मुर्गी डकैती के हैं, 395 है उसमें। बकरी की डकैती के हैं, भैंस की डकैती के हैं, किताबों की डकैती के हैं। मैं यही तो जानना चाहता हूँ आजम साहब की इतनी नजरें इनायत आजम खान पे ही क्यों? मैं नहीं कह सकता, कुछ तो बात होगी। बिना बात बिना आग के धुआं तो ये तो आप जब तक उनसे नहीं पूछेंगे तो वजह नहीं मालूम हो पाएगी। नहीं, उन्होंने कभी इस बात की चर्चा नहीं की। हाँ, विधानसभा चुनाव में हमने ये अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जी के मुंह से जरूर सुना कि आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, तीन माफियाओं के खिलाफ हमने बुलडोजर चलाया। नहीं, मेरे पास तो बुलडोजर चलाने का कुछ था ही नहीं, तो यहाँ कोई बुलडोजर। मायावती जी के जमाने में भी दीवारें गिराई गई थी यूनिवर्सिटी की, बाकी तो बस एक गुनाह अगर हो सकता है तो क्योंकि शिक्षा में थोड़ा सा काम किया तो ये गुनाह तो हाँ मेरी समझ में आता है। यूनिवर्सिटी है, बच्चों के स्कूल हैं, बच्चियों के स्कूल हैं, CBSE बोर्ड के, जहाँ बहुत सस्ती पढ़ाई है और बहुत क्वालिटी एजुकेशन है। धर्म जात वहाँ भी नहीं देखी जाती। पूरी यूनिवर्सिटी में कहीं आपको अल्लाह, मोहम्मद, कलमा ये सब लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कोई स्लोगन नहीं मिलेगा जिससे लगे कि किसी एक वर्ग या एक धर्म की यूनिवर्सिटी है। तो वो तो कह रहे हैं कि गलत जमीन लेकर के गलत तरीके से आपने यूनिवर्सिटी बना ली। मुकदमे भी कई सारे हैं, कोर्ट में चल रहा है। पहली बात तो ऐसा है नहीं, लेकिन अगर होता भी तो शिक्षा के मंदिर की मदद होनी चाहिए थी। वो तो कह रहे हैं दलितों की जमीन पर कब्जा कर लिया आजम खान साहब ने। तो जो दलितों की जमीन थी उसका एक प्रोसीजर है कि संपन्न दलित खरीदेंगे, उसके बाद फिर कोई भी लेंगे, तो वो सब प्रोसीजर हुआ था। लेकिन यहाँ एक कलेक्टर साहब थे, वो फाइल उनके पास थी। अब उनके पास से कहाँ गई ये भी वही बता सकते हैं। उसके बाद दूसरा पूरा रिकॉर्ड तैयार कर दिया गया था, लेखपाल और प्रधान, ग्राम प्रधान से लेकर नायब तहसीलदार, तहसीलदार, SDM, DM और यहाँ तक कि कमिश्नर तक की रिपोर्ट उस पर लग चुकी थी और सारे बयानात हो गए थे कि ये सब इस प्रोसीजर से हुआ। जिन लोगों की ज़मीनें हैं उनके बयानात हो चुके थे, तो उसे माना नहीं गया। फिर हम अपील में गए, उसके बाद रेवेन्यू बोर्ड गए, हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिला। इसी न्याय के प्रोसेस में जिसने आपका साथ दिया, कपिल सिब्बल का, मैं
सबसे ज्यादा तो आसमान वाले ने साथ दिया। आसमान वाले मतलब मेरे मालिक ने। हाँ, लेकिन कानून की दुनिया में, अदालतों में सिब्बल साहब ने बहुत मदद की है और बहुत दिल से की। तो भी तो अब राज्यसभा के सांसद बन रहे हैं आपकी पार्टी की मदद से। मुझे खुशी है उनके होने की। अच्छे इंसान है और बड़ा नाम है। इस बात की बड़ी चर्चा है कि उनके नाम की पैरवी आपने की और अखिलेश मान गए। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये अब आपको थोड़े बता देंगे। उसमें क्या हर्ज है, ऐसी कोई गोपनीय बात तो है नहीं। क्यों, मैंने कौन सा बनियान पहन रखा है ये तो मुझे ही मालूम नहीं। नहीं, ये तो राजनीति की बात है, इसमें बनियान वाला मसला नहीं है। हम ऐसी राजनीति करते ही नहीं। अगर ऐसी राजनीति की होती तो आज ये सब कुछ हमारे साथ होता ही नहीं। सर, आपने ऐसा क्यों कहा कि आपने जीवन में अपनी एक लकीर खींच ली है और कभी किसी दूसरी कश्ती की तरफ देखा नहीं, पर अब लगता है दुआ सलाम करते चलो। नहीं, देखिए, ये दुनिया तो एक लेबोरेटरी है, तजर्बागाह है। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के तजर्बे होंगे, सियासत भी एक तजर्बागाह है। तो एक लाइन खींची हुई थी कि किसी से नहीं मिलना है, किसी से बात नहीं करनी है, कहीं शुभा ना हो जाए हमारी क़यादत को कि भाई हम कहीं और भी हो सकते हैं। लेकिन जिनकी वजह से ऐसा था उनके भी सब जगह मधुर संबंध है। तो मैंने सोचा कि जब मैं उनके ही साथ हूं तो उन जैसा बनूं। हालांकि मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मुझसे इतने बड़े लोग खुद भी कनारा करेंगे, और मैं क्योंकि एजेंडा हूं लिहाजा एजेंडे वाले से मिलना खुद उन्हें भी सूट नहीं करेगा। आप जरा हाथ देंगे, यूं हाथ पकड़ करके जी। मैनपुरी की जनसभा में मैंने आपको मुलायम सिंह के साथ रोते हुए देखा। मुलायम सिंह, जब आप जेल में थे कहीं मुलायम सिंह नजर नहीं आए, कहीं उन्हीं की तरफ इशारा तो नहीं है आपका? ना, देखिए, वक्त नहीं मिला होगा। जाहिर है बड़े नेता भी हैं, बड़े आदमी भी हैं, मसरूफ भी हैं। इतने भी नहीं है कि उन जिनसे आप कहते थे कि उनसे आपकी सियासत उनसे है और आप जेल में रहें, ऐसा ना हो। असल में बहुत बुरी जेल थी, बहुत थर्ड ग्रेड कैदियों से भी नीचे के दर्जे का ट्रीटमेंट था मेरे साथ। अब वो ये सब देखते तो शायद उन्हें तकलीफ होती। मेरी सेहत, मेरी तबीयत, शक्ल देखकर तकलीफ होती। अच्छा हुआ उन्हें ये तकलीफ नहीं हुई। जज्बाती रिश्ता तो रहा है अब भी है, पर तकलीफ भी है। नहीं, उन्हें होती मुझे ऐसा देखते तो। आपको तकलीफ नहीं है? नहीं, मुझे उस मुझे तकलीफ का कोई हक नहीं है। कहाँ हक है? इतना बड़ा अपराधी, इतने मुकदमे, हो सकता है कहीं उनके भी दिलो दिमाग में ये बात आई हो कि कहीं इनमें कोई मुकदमा, हो सकता है सच्चा भी हो। आपने जो कहा ना कि दूसरे लोगों से भी दुआ सलाम करते चलूं, तो इसका मतलब यही लोग निकाल रहे हैं कि आप दूसरी पार्टी के नेताओं से भी मिलना जुलना, हो सकता है किसी दिन ऐसी भी नौबत है कि आजम साहब किसी दूसरी पार्टी में नजर आए। वो BSP हो सकती है, कांग्रेस हो सकती है। संन्यास ले लेंगे, जरूरी थोड़ी है राजनीति करें। क्या बात करते हैं, आजम खान संन्यास कैसे ले लेंगे? क्यों क्यों नहीं ले लेंगे? पर आप समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ेंगे, ये बात आप कह रहे हैं? देखिए, छोड़ने नहीं छोड़ने, रहने, ये सवालात ही इस मौके पर मुनासिब नहीं है। ना कोई चुनाव है, ना कोई इलेक्शन है, ना कोई नॉमिनेशन है, यानी मेरे लिए ना कोई ऐसा ओहदा है जिसके लिए मैं कोई ऐसी हरकत करूं, ना कहीं और जगह मेरे लिए कोई मकाम है ना। तो सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं पॉलिटिकल, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप समाजवादी पार्टी में बने और बने रहेंगे? इस तरफ सोचा ही नहीं है। आप जब आजम साहब जेल से बाहर निकले हैं तो कैसा वक्त आ गया है कि कभी ज्ञानवापी का मसला उठता है, कहीं कुतुब मीनार का उठता है, कहीं ताजमहल का उठता है, कहीं मथुरा का उठता है। आपको क्या लग रहा है, ये पैटर्न है, ट्रेंड है, इसके पीछे कोई साजिश है? जो मस्जिदों का मामला है, उससे पहला मसला बाबरी मस्जिद का था 22/23 दिसंबर 1949 को आइडल्स रखे गए उसमें, और फिर अगले दिन
वो मस्जिद कुर्क हो गई और 500 मीटर तक मुसलमानों की आमद की पाबंदी के उस तक करीब नहीं आ सकते। वो पाबंदी आखिर तक जारी रही और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। मुसलमान यही कहते रहे कि वो अदालत का फैसला मानेंगे। सन 49 से लेकर 4 दहाइयां गुजर गई तब कहीं जाकर फैसला आया। लेकिन जहां तक ज्ञानवापी का मामला है या और किसी मस्जिद का मामला है तो उसमें जो जुडिशियल प्रोसेस है वो निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बड़ी तेजी से चल रहा है और जब चीज अदालत में है तो अदालत ही देखे तो बेहतर है बजाय इसके कि आपस में तसादुम किया जाए। नहीं, एक बार आपने खुद ही कहा था ना कि ताजमहल को लेकर के अगर गिराना चाहते हैं तो आप पहला फावड़ा देखिए। इस्लाम में क्योंकि पक्की कब्र की भी इजाजत नहीं है, कच्ची ही कब्र रहनी चाहिए, तो कौन सी बुरी बात होगी अगर ये गुलामी की निशानियां ही तो कहा है ना गुलामी की निशानी, तो उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और आप देख रहे हैं इस वक्त मस्जिद के डिस्प्यूट में भी मुसलमानों की तरफ से और बाबरी मस्जिद वाले में भी उनका कहना यही था कि जो अदालत फैसला करेगी वो मानेंगे। और ये भी आपने महसूस किया होगा कि कभी मुसलमानों ने उस जमाने में कृष्ण जी के बारे में, रामचंद्र जी के बारे में, सीता जी के बारे में कोई तौहीन आमेज बात ऐसी कभी नहीं कही। और हम तो जाहिर है हमारा दीन हमें रोकता है इन चीज़ों से कि आप दूसरे मजाहिब के पेशाओं का की बुराई नहीं कर सकते। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब अचानक आपके मुरीद कैसे हो गए? आप लोगों की बातचीत शुरू हो गई क्या? क्योंकि मुझे याद है आप जब जेल में थे वो आपके लिए दुआएं करते रहे थे मंच। जी, उसका शुक्रिया। मैंने तो जेल से निकलते ही कहा था जिन लोगों ने मेरे लिए जितना भी किया है, जो भी अच्छे जज्बात किसी के भी रहे हैं या किसी भी लेवल पर मेरी मदद की है तो मैं उनका मशहूर हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वो अगर मिलने आना चाहें आपके पास? देखिए, एक तो दूर बहुत है हैदराबाद से रामपुर, फिर जगह बड़ी तंग है। नहीं, यहाँ तो बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। कहाँ? मैंने कई बार खुद ही देखा। अरे, मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक सब। तो मैं तो वो पार्टी के मुखिया थे और अखिलेश जी मुखिया है तो एक वर्कर के यहाँ आ जाते हैं तो उसकी इज्जत बढ़ जाती है। आप वर्कर हैं? जी। अखिलेश यादव से रिश्ते सब ठीक है ना? बहुत तरह की कहानियां आती रहती है। ना, कोई वजह नहीं है खराब होने की, बजाहिर कोई वजह नहीं है। मैं अपने को उस जगह समझता ही नहीं इन हालात में कि मैं कोई शिकवा, कोई शिकायत, कोई दावेदारी करूं। क्योंकि जिससे उनको दिक्कत है, जिनको वो पसंद नहीं करते, शिवपाल यादव उनके चाचा, उनसे आप मिल लेते हैं? नहीं, जेल में तो मुझसे जो भी मिलने आए सबसे मिला। हाँ, कभी तबीयत खराब रही तो बहुत से अहबाब नहीं मिल सके और फिर पाबंदी बहुत सख्त थी कोरोना की वजह से, फिर बाद में तो मुलाकातें बंद हो गई थी। अब हफ्ते में एक शख्स मिल सकते थे, वो आए तो मैं जाहिर है मना तो नहीं कर सकता। अभी बड़ी चर्चा थी कि आजम साहब गए हैं विधानसभा में, विधायक की शपथ ली है पद की, तो आप और अखिलेश यादव अगल बगल बैठेंगे विधानसभा के अंदर, पर तस्वीर ही नहीं आई। बहुत चर्चा थी, आपने भी सुनी होगी। मैं जी, बस वो मुझे क्योंकि यूनिवर्सिटी की घबराहट में यहाँ वापस आना था तो शपथ लेकर फौरन रवाना हो गया था, क्योंकि यहाँ हर वक्त ये खतरा रहता है कि कब बुलडोजर खड़े भी रहे और हो सकता है इस वक्त भी खड़े हों यूनिवर्सिटी में। आपको क्या लगता है कि बीजेपी अपराजेय हो गई है आज की तारीख में? साहब, वो तो एक जात के अलावा किसी की ये दावेदारी नहीं हो सकती। समझा नहीं? बस बादशाहत ऊपर वाले की ही कायम रहेगी, बाकी बहुत बड़े बड़े बादशाह आए, रूलर्स आए, सैकड़ों साल हुकूमतें रही, नहीं भी रही। आप एक बड़े सीनियर लीडर हैं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। आगे चुनाव जो है 2024 का, एक बहुत बड़ा चुनाव, आपको लगता है कांग्रेस के पास वो लीडरशिप है
जो बीजेपी के खिलाफ लड़ सकती है या कोई दूसरा विकल्प देखा जाए दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों का? अभी इस वक्त तो अपने बिखरे वजूद को, अपने बिखरे जिस्म को, अपने बिखरे हुए दिल दिमाग को समेटने में ही लगा हूं। इस तरफ सोचता हूं तो सर में दर्द होने लगता है, सोच ही नहीं रहा हूं इस तरफ। जेल में कभी ऐसा लगा आपको कि आपका हिम्मत जवाब दे गई? क्योंकि जेल जाने के नाम से ही मतलब एक अलग खौफ पैदा होता है। नहीं देखिए, हिम्मत तो जवाब न दिया है न देगी, लेकिन हाँ जिस्म ने तो जवाब दिया, बीमारी की वजह से भी, तन्हाई की वजह से भी। बिल्कुल अकेला एक छोटी सी कोठरी में, जहां दूर तक। कितनी बड़ी कोठरी थी? कब्र से थोड़ी बड़ी थी। क्या आपको कभी लगा कि आपके खिलाफ जो ये सब कुछ हुआ वो आप एक मुसलमान हैं इसीलिए हुआ? अगर ऐसा हुआ भी तो उसकी क्या शिकायत है, वो तो मैं हूं, क्या कर सकता हूं। आजम खान कई बार खुले तौर पर नहीं, इशारों इशारों में बड़ी बड़ी बातें कह जाया करते हैं। अभी भी उनके पास कानूनी गलियारों से लेकर राजनीति के गलियारों में लंबी लड़ाई लड़नी है। बाबा, बाबा। पुड़िया सिटी जानिए। कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।